नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज हो चुकी है 10 नवंबर और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कुछ बड़ी बड़ी खबरें, तो कहीं मत जाइएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के बाहर होने के बाद से ही थोड़ा सा मायूसी यहाँ पर इंडियन फैंस में छा गई है, लेकिन भैया अब उस सब को छोड़ करके IPL की बात करने की बारी है। 10 टीमें IPL 74 मैचेस और काफ़ी सारा मज़ा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है यहाँ पर RCB के खेमे से। RCB की टीम ने अपना हेड कोच जो है वो अनाउंस कर दिया है। संजय बांगर को इन्होंने अपना हेड कोच अनाउंस कर दिया है और संजय बांगर अब RCB की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। अगले 2 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 2-3 साल तक के लिए ये कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो पहले वाले कोच है साइमन कैटिच, उनको ये रिप्लेस करेंगे। और इसके अलावा जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं वो माइक हैसन ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट है, हालांकि दोस्तों रवि शास्त्री का भी नाम था इसमें, रवि शास्त्री से भी कॉन्टैक्ट कर रही थी RCB, लेकिन फिर इन्होंने संजय बांगर को ही अपना हेड कोच जो है वो नियुक्त कर दिया है। इसके बाद दोस्तों दूसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर रवि शास्त्री और विराट कोहली को लेकर। रवि शास्त्री और विराट कोहली का आखिरी T20 मैच था, हालांकि दोस्तों विराट कोहली तो T20 मैच खेलेंगे लेकिन कप्तान के तौर पर उनका आखिरी मैच था, लेकिन रवि शास्त्री का कोचिंग के तौर पर वो आखिरी दिन था। तो यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों मतलब कोच और जो कप्तान है, वो काफी भावुक नजर आए ड्रेसिंग रूम में। और इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रवि शास्त्री को अपने अपने बैट भी जो है ना वो गिफ्ट करे और दोनों जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए। इसके अलावा विराट कोहली ने बड़ा थैंक यू बोला रवि शास्त्री और उनके कोचिंग स्टाफ को, जो भी उन्होंने किया है इस भारतीय टीम के लिए, मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया इस भारतीय टीम में जो कि एक चैंपियन टीम बनी है, तो काफी अच्छी चीज लग रही थी ये। तीसरी अपडेट आ रही है दोस्तों विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली दोस्तों ना घर के रहे ना घाट के, जी हाँ, T20 के साथ में अब ODI की कप्तानी भी जाने का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों यहां पर BCCI की बात करें तो BCCI की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने बोला कि स्प्लिट कैप्टेंसी जो है ना वो उतना वर्क नहीं करती है। यहाँ पर टीम में मतभेद होते हैं अलग, अगर तीनों फॉर्मेट में अलग 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 कप्तान होते हैं तो फिर विचारों में विभिन्नताएं होती हैं। तो ऐसे में हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि विचारों में भिन्नता ना आए, और इसी वजह से 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा और 2023 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा उसके लिए एक ही कप्तान की के बारे में हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को दोस्तों बेसिकली T20 का कप्तान तो बना दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो उसमें रोहित शर्मा कप्तान और KL राहुल जो है ना वो वाइस कैप्टन है। और ऐसे में दोस्तों विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है, हालांकि दोस्तों विराट कोहली टेस्ट सीरीज में वापसी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों इसके अलावा जो ODI की कैप्टेंसी है ना उसके ऊपर विचार किया जाएगा साउथ अफ्रीका दौरे के ऊपर। जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी तो वहां पर ODI मैच खेलेगी, तो वहां पर विचार किया जाएगा कि किसको ODI का कप्तान बनाए, विराट कोहली को या फिर रोहित शर्मा को। तो काफ़ी बड़ी अपडेट थी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट आ रही है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच को लेकर। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। यहां पर 167 मिलियन तक इसकी वॉचिंग गई थी हॉटस्टार के ऊपर, तो काफी बड़ा कीर्तिमान है और पिछले सारे रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड ने तोड़ दिए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है विराट कोहली को लेकर। बेसिकली दोस्तों जैसे ही उन्होंने कप्तानी छोड़ी है तो उनके T20 टीम में जगह को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विराट का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है और उतना अच्छा IPL भी नहीं गया और उतना अच्छा ये T20 वर्ल्ड कप भी नहीं गया है। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पर फैंस है वो उनको सीधा निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर मुल्तान के सुल्तान का साथ मिला है विराट कोहली को। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग का साथ मिला है और वीरेंद्र सहवाग ने बोला है कि आप विराट कोहली को, मतलब उनकी जगह को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है अभी तक इस इंटरनेशनल क्रिकेट में वो काबिले तारीफ। और आशीष नेहरा ने भी इस बात से इतफाक रखा, तो यहां पर सहवाग ने विराट कोहली का बचाव किया है। इसके बाद दोस्तों आपके हिसाब से क्या विराट कोहली की जगह नहीं बनती है T20 स्क्वाड में, अपनी राय जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को
को लेकर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना पाने पर ट्रॉल हो रही है टीम इंडिया। रवि शास्त्री और कप्तान कोहली जो है ना वो निशाने पर हैं, लेकिन इस पर दोस्तों शास्त्री ने भी पलटवार किया है और उन्होंने बोला है कि खिलाड़ी मशीन नहीं है, खिलाड़ी भी इंसान है और यहाँ पर भारतीय टीम भी मैच हार सकती है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर मैच जीतेंगे और खिलाड़ी जो है वो इतने समय से बायो बबल में है, आईपीएल और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना आसान नहीं होता है, खिलाड़ी जो है वो मानसिक रूप से थके हुए थे। लेकिन दोस्तों अब इस बयान के ऊपर अगर बात की जाए ना तो इसे चर्चा की जाए तो यहाँ पर किसने बोला था आईपीएल खेलने के लिए, थोड़ा सा वर्क आपके लिए, आपका देश पहले या फिर आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो पहले है? मेरे हिसाब से तो देश पहले होना चाहिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं। और अगर आपके खिलाड़ी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे तो आपने क्यों दूसरी टीम नहीं बनाई, क्यों दूसरे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जो कि आईपीएल का हिस्सा नहीं थे? लेकिन सारे सवाल उठते रहेंगे और इसके भी जवाब आते रहेंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगली अपडेट आ रही है कपिल देव को लेकर, कपिल देव ने भी यही बोला है दोस्तों, कपिल देव ने आईपीएल को दोष दिया है भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जगह ना बनाने का कारण जो है वो आईपीएल है, आईपीएल में खिलाड़ी जो है वो आज देश से ज़्यादा आईपीएल को महत्व देने लगे हैं। इसके अलावा कपिल देव ने बोला कि मुझे नहीं पता कि खिलाड़ियों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह की है, लेकिन इसी वजह से मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन खिलाड़ियों के लिए देश पहले होना चाहिए ना कि फ्रेंचाइज क्रिकेट। हालांकि दोस्तों आईपीएल के आने से जो भी क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, जो भी कंपटीशन है वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि दोस्तों इंडियन टीम में तो केवल 11 स्पॉट रहते हैं, 15 खिलाड़ी रहते हैं और कंपटीशन काफ़ी सारा है, तो इसी वजह से आईपीएल के आने के बाद में काफ़ी सारे खिलाड़ियों की किस्मत बदली है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट है न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम को लेकर, दोस्तों भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसमें दोस्तों रोहित शर्मा कप्तान होंगे, केएल राहुल वाइस कप्तान होंगे, आप अपनी स्क्रीन पर स्क्वाड देख पा रहे होंगे, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज। दोस्तों हर्षल पटेल की एंट्री हुई है इस टीम में और जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज और इनकी मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में एंट्री होनी चाहिए थी, अगर ये वर्ल्ड कप में होते ना तो भारतीय टीम ज़रूर कुछ ना कुछ करती, लेकिन पता नहीं अब किस वजह से इनको नज़रअंदाज किया गया। बाकी हर्षल पटेल को पिक करना चाहिए था क्योंकि ऑलराउंडर एबिलिटी भी है इनमें। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।